प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदर आप सबके बीच। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जो हाल ही में रिलीज हुई पिक्चर उजड़ा चमन के बारे में। जी हां दोस्तों, ये पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं सनी सिंह और उनकी सपोर्टिंग एक्टर्स है करिश्मा शर्मा और सपोर्टिंग एक्टर्स है ऐश्वर्या शकुजा और सौरभ शुक्ला जो काफी फेमस है एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस है। और इसमें हीरोइन के रोल कर रही है मानवी गगराव और बाकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस है अभिषेक चौधरी। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर में जैसल हीरो जो है जो 30 साल के जो हैं एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं और हमारे हीरो जो है एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी उम्र होती जाती है और इन्हें वर ढूंढना होता है लड़की, जबकि इन्हें लड़की मिलती नहीं है शादी के लिए क्योंकि इनके बाल जड़े होते हैं, बाल सामने से ब्लेडेड होते हैं तो सामने बाल नहीं होता है उनको सर में सामने की तरफ, तो इनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके कारण उनको कहीं भी जाते हैं लड़की ढूंढने जाते हैं तो लड़की मिलती नहीं है उन्हें, और विग लगा के जाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो पता चल जाए तो लड़के वाले उन्हें धुतकार के भगा देते हैं। इसके कारण उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है और काफ़ी थोड़ी मुश्किलें झेलने पड़ते हैं क्योंकि इनके बाल ना होने के कारण, यहाँ तक कि कॉलेज के स्टूडेंट भी इनकी मजाक उड़ाते हैं उजड़ा चमन कह के, इस तरह उनको थोड़ी दिक्कत होती है। और आखिरकार उन्हें फिर अपने कॉलेज में जो उनके साथ जो काम करते हैं उनके जो प्रोफेसर जो कलीग उनके साथ अपने फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हैं तो भी उनसे आखिरकार उनके फ्रेंडशिप बनती भी नहीं है, फ्रेंडशिप होती भी नहीं है। और उनके कॉलेज स्टूडेंट जो करिश्मा शर्मा जो है एक ग्लैमरस एक्टर की तरह एक्टिंग की है, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह जो उनको हीरो की अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेती है खुद के एकदम ग्लैमर की तरह उनके सामने प्रेजेंट करके ताकि वो अपने एग्जाम में पास हो सके अच्छे नंबर के तौर में, इसलिए उन्हें प्रोफेसर को अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया जो हीरो जो सनी सिंह जो है। फिर आखिरी में उनसे मिलते हैं एक हीरोइन से, एक सोशल मीडिया इंटरनेट के दोस्त है एक हीरोइन जो है मानवी कगरौ जो मिलने के बावजूद भी उनकी होती नहीं है, उनका जो रिश्ता जो है सेट होता नहीं है क्योंकि हीरो जो है उनके समय बाल नहीं होते और हीरोइन जो है थोड़ी मोटी होती है। इस तरह पहली मुलाकात में उनका तो ना के बराबर हो जाता है, फिर दूसरी मुलाकात में उनके बीच फिर आखिरकार शादी की बात छिड़ जाती है कि हाँ क्यों ना दोनों शादी कर ले। इस तरह स्टोरी चलता है। स्टोरी में सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो हीरो के जो माँ बाप के जो रोल किए उन्होंने भी काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्ट्रेस काफी अच्छा एक्टिंग की है। स्टोरी में ऐसा कुछ दम नहीं है पर जहाँ थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, जैसे हीरो के घर में एक नौकरानी होती है जो खाना परोसते वक्त हीरो की माँ कहती है यहाँ पे तीन तीन मर्द है तो कपड़े ढंग के पहना करो, सो इस तरह कह के थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने की कोशिश की गई है पर पिक्चर में इतना कुछ दम नहीं है। पर एक बार आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, पिक्चर में ऐसा कुछ खास नहीं है बल्कि ठीक है आप, क्योंकि हीरो की एक्टिंग में इतना कुछ एनर्जेटिक भी नहीं है, बस एकदम सॉफ्ट रोल है हीरो का और हीरोइन भी ठीक है। आप देख सकते हैं, एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं, पिक्चर में कुछ इतना दम नहीं है, ठीक है अगर आप देखना चाहे तो। ऐसे तो मैं इस पिक्चर को तो मैं रेटिंग के तौर में कुछ खास नहीं देना चाहता, पर देखते हैं बॉक्स ऑफिस में कितना बनाया, कितना कमा पाती है और कितना नाम जमा पाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके वीडियो तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो भी कहना चाहे जरूर कह दीजिएगा कमेंट्स में, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिस्पेक्टेड एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।